नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। ब्राह्मणी माता, पल्लू वाली माता, ये माँ दुर्गा की ही एक अवतार है। तो आइए हम पल्लू वाली माता भक्त मंडल सिलीगुड़ी में आज एक जनसभा का आयोजन किया गया है, और इस जनसभा में पल्लू वाली भक्त मंडल के द्वारा क्या संकल्प किया जा रहा है, चीज़ों को हम विस्तार से देखते हैं और समझते हैं। तो पल्लू वाली माता हम सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। प्रेम से बोलिए पल्लू वाली माता की जय। कोई कोई नहीं, स्वागत है आपका। माता की जय। जय। मेरा तरफ से मैं इस परिवार का मतलब के प्रेसिडेंट हूँ। आने वाले प्रोग्राम रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वार, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलकार रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। आपका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। आज पल्लू वाली माता के दरबार में जो प्रण किया गया है मीटिंग के माध्यम से, इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। धन्यवाद। आज जय पल्लू वाली माता, ब्राह्मणी देवी माता, भक्त मंडल सिलीगुड़ी शाखा के आज जन साधारण आयोजन किया गया, और हम लोग 6 और 7 तारीख जनवरी को पल्लू माता का तृतीय चतुर्थ प्रोग्राम का आयोजन करने जा रहे हैं। पल्लू वाली माता का जो आयोजन हम लोग का सिद्धि विनायक बैंक्वेट हॉल में होगा, और इसमें हमें सभी भक्त यहाँ पर शामिल है। आज के जनसाधारण में हर प्रकार का प्रोग्राम के लिए मैंने आयोजन जो प्रोग्राम आयोजन होगा उसका इस प्रोग्राम में डिसीजन लिया गया इस सभा में। तो आगे में फिर हम आपको अपडेट करते जाएंगे इस प्रोग्राम को लेकर के। और हमारे साथ मौजूद है पल्लू ब्राह्मणी माता सिलीगुड़ी समिति के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य सभी मेंबर हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम और पद एक बार बता दीजिए। मेरा नाम सुरेश कुमार अग्रवाल, सीनियर एडवाइजर। हम लोग हर साल वार्षिक उत्सव करते हैं, जो कि जनरली हमारा जनवरी महीना में ही रहता है। ये हमारा 4th वार्षिक उत्सव है। ये उत्सव हमारा 6 और 7 जनवरी 2024 को सिद्धिविनायक बैंकेट में SF रोड सिलीगुड़ी में आयोजन होगा। इसमें हम लोग 2 दिन का प्रोग्राम रखे हैं। पहला दिन हमारा प्रोग्राम है, सुबह 8 बजे से हमारी शोभा यात्रा निकलेगी, जो कि हो सकता है सिद्धिविनायक या शिल्पांचल भवन से होते हुए वापस सिद्धिविनायक आएगी। उसका रूपरेखा भी हम लोगों ने तैयार नहीं की है, वो तैयार होगी तो आपको हम लोग जानकारी दे देंगे। तो शाम को हमारा फिर कलकत्ता या बाहर कहीं से आएंगे, कोई भी जो माता का वो करेंगे, मंगल पाठ करेंगे। ये मंगल पाठ शाम को 4 बजे से लेके माता की इच्छा तक होगा, हो सकता है 9 या 10 बजे तक चलेगा। दूसरे दिन हमारा शाम को 4 से 10 बजे तक हमारा भजन प्रोग्राम चलेगा, जिसके लिए कलाकार आएंगे, बाहर से आएंगे, या तो दिल्ली से आएंगे, या जयपुर से आएंगे, या चंडीगढ़ से आएंगे। तीन कलाकारों से हमारी बात चल रही है, ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में हमारी बातचीत है। एक संशय है मेरे मन में, दर्शकों के माध्यम से मैं ये करना चाहूँगा कि मंगल पाठ और ये माता रानी का जागरण, ये दोनों एक ही कार्यक्रम है कि ये अलग अलग है? ये अलग अलग कार्यक्रम है। जागरण में बेसिकली भजन संध्या होती है, भजन होते हैं, और मंगल पाठ एक फिक्स पाठ है, जैसे कि हनुमान चालीसा है या बजरंग बाण है, वैसे ही एक पाठ है पूरा। ये पाठ होता है, हर माता का होता है, जैसे रानी सती दादी का होता है, ये पल्लू वाली ब्राह्मणी माता का होता है, हर कुल देवी का, जिसकी भी कुल देवी है सबका मंगल पाठ है। इसका मोटा मोटी रूपरेखा सेम होती है मंगल पाठ की, सभी माताओं की रूपरेखा, बस थोड़ी सी माता के हिसाब से उसको चेंज कर दिया जाता है। तो ये मंगल पाठ और जागरण दो अलग अलग ही है। जागरण हो गया रात भर भजन संध्या होना, रात भर का जागरण होना, और मंगल पाठ आपका एक फिक्स पीरियड, मतलब 3 या 4 घंटे या 5 घंटे जनरली लगते हैं। ये अलग पाठ हो गया पूरा माता का, और जागरण में कोई भजन का कोई फिक्स नहीं है, कोई भी भजन गा सकते हैं उसमें, तो ये अलग अलग है। धन्यवाद। अपना नाम एक बार बता। मैं राजेश अग्रवाल, जय ब्रह्माणी माता सेवा ट्रस्ट का सचिव, ट्रेजरर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, स्वागत है आपका। एक बार बताइए हमारे दर्शकों को इसके प्रोग्राम के बारे में। मैं इस संस्था का सचिव हूँ, और आप सभी दर्शकों से और भक्त मंडल से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी 6 तारीख और 7 तारीख स्थानीय सिद्धि विनायक बैंक्वेट हॉल में 6 और 7 को प्रोग्राम होने जा रहा है, आप सभी सादर आमंत्रित है। इसमें बाहर से हम लोग कलाकार बुलाएंगे, शोभा यात्रा निकलेगी, और कार्यक्रम रंगारंग कार्यक्रम होगा। आप सारे मेंबर्स और सभी सदस्यों, सिलीगुड़ी के आसपास के जितने भी सदस्य हैं,
और भक्त मंडल है, भक्त है, जो माता के भक्त हैं वो सभी इस कार्यक्रम में जरूर जरूर पधारें। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है मेरा। अपने कितने मेंबर्स हैं अपना इस? अभी हमारे मेंबर्स 334 हो गए हैं, और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे जैसे हम लोग कंदोई हो गए, मित्रों का परिवार हो गए, इनकी कुलदेव भी है हमारी, पारिक जी हो गए, चाचान हो गए, बहुत सारे हैं, अभी भी जोड़ नहीं पाए हम लोग बहुत सारे जनों को। गोल्यान है, गोल्यान की कुलदेवी है, ये हमारे कुलदेवी का प्रोग्राम है। रंगारंग भजन कार्यक्रम में इस बार कहाँ से आप बुला रहे हैं? अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन बाहर से कलाकार आएंगे, और जो भी कलाकार आएंगे दर्शक, मेरी उम्मीद है वो झूम उठेंगे। और ये शोभा यात्रा का क्या है, मतलब प्लान कहाँ से कैसे? शोभा यात्रा हम लोग 6 तारीख को निकालेंगे, सुबह 8 बजे से चालू होगी। शोभा यात्रा की रूपरेखा बन रही है, झांकी निकलेगी, और भी रंगारंग मतलब कार्यक्रम होगा। यूनिफॉर्म ड्रेस में बाबा का झंडा लेके हम लोग निकलेंगे, तो वो दर्शनीय होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग इसमें शामिल हों। अपना नाम और पद बताइए। मैं अरुण कंदोई, इस संस्था का सचिव। धन्यवाद। आगे बताइए। जय माता दी। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत में आए। और हम लोगों का जो प्रोग्राम अभी हमारे अध्यक्ष जी, सचिव जी और कोषाध्यक्ष ने आपको सब जानकारी दे दी है, तो ये जो हम लोग का इस बार थोड़ा अलग क्यों है, क्योंकि अभी तक हम लोग ऐसे नॉर्मल कर रहे थे, इस बार प्रोग्राम प्रोजेक्ट चेयरमैन बनाया गया है और इनको को चेयरमैन बनाया गया है, इसलिए मैं अपने ट्रस्ट को धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसी के साथ मैं सभी भक्तों से अनुरोध करूँगा कि इस प्रोग्राम में अधिक से अधिक संख्या में जुड़े और माता का प्रोग्राम का आनंद लें। सबसे पहले ग्लोबल द न्यूज़ को पल्लू माता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों को मैं प्रोग्राम के बारे में तो सब मेरे कॉलीग लोग बता ही दिया है, सबको ये बोलना चाहूँगा कि ये पल्लू माता ग्रुप में सब ज़्यादा से ज़्यादा करके जुड़े, और हम लोग का 2 दिन का प्रोग्राम है, इसमें सब बढ़ चढ़ कर भाग ले और माता के प्रोग्राम का कार्यक्रम को एंजॉय करें। सभी भक्तों से मेरा यही रिक्वेस्ट है, बोले पल्लू वाली मैया की जय। आपका नाम एक बार? मेरा नाम भंवरलाल थोरी, मैं पल्लू माता का सदस्य हूँ। सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब आइए और पल्लू माता के सदस्य मेंबर बनिए इस प्रोग्राम ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। मैं जय ब्रह्मानी माता की जय। मैं ब्रह्मानी माता परिवार के सदस्य हूँ। मेरी सब ब्रह्मानी माता के जितने भी सदस्य है, सबसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके ब्रह्मानी माता परिवार में जुड़े। और 6 और 7 जनवरी को हम लोग का ब्रह्मानी माता का परिवार का प्रोग्राम है, इसमें सारे सदस्य आए, आके प्रोग्राम को सफल बनाए। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, ये प्रार्थना है, जरूर से जरूर आए। क्या नाम है आपका? ललिता अग्रवाल। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए आदिशक्ति माता की, पल्लू वाली माता की।